ठीक से चलो नहीं तो फिर देखिए जरा संतोषी क्या कर रही है यहाँ पे। अरे वाह, ये तो आम का खजाना है। तो ये है संतोषी का गांव। ये देखिए सामने है रेलवे स्टेशन और वहाँ पे जो गाय है वो संतोषी का है। यहाँ पे है संतोषी और ये है उसका पूजा घर। ये जो सामने पीला वाला घर देख रहा है ये संतोषी का घर है। और यहाँ पे अभी संतोषी आम तोड़ेगी। हाँ आम तोड़ेंगे चाचा खाने के लिए। अभी तोड़ेगी? तो मत तोड़ मत तोड़, पकने पे खाएंगे। देखिए ना आम से तो हम लोग लाल तो खा लाल नहीं हुआ है। पाएंगे पकने पे। देखिए आगे मखाना लगा है। ये तुम्हारा गाय है, क्या खाएगा? रोटी रोटी खाएगा ना? खाएगी खाएगी खाएगी। शिवम भैया लाके गैया मैया है। हाँ गैया मैया है। और ये क्या चीज का खेती है? मखाना का ना? हाँ वो मखाना का खेती है। मखाना भी हुआ नहीं तो रेलवे का जमीन है। हाँ रेलवे का जमीन है, इस पे देता है भाड़ा। मतलब तुम लोग तो नहीं किए ना? नहीं हम लोग नहीं करते हैं, वो बगल में है वही करता है। इसको शिवम रोज रोटी खिलाता है लाके। शिवम को बहुत पहचानता है, जहाँ शिवम को देखेगा तो मुंडी हिलाता है हमको कुछ ला के देगा खाने के लिए। आ गया मार्केट से, क्या लेके आया है? माजा लेके आया है शिवम। दवाई लेके आ रहे? दवाई दीवी के लिए? नहीं जाने देगा? तो अभी आया ना मार्केट से, अभी हम आ रहे हैं, ठीक है? तुम जब तक पियो उसको। तो यहाँ देखिए पीछे में गाय गोबर कर रही है और हम लोग जा रहे हैं गांव का मार्केट दीवी के लिए सेरेलैक्स लाने के लिए। और ये कैमरा से आने से शर्मा का आ रहा है। अरे क्या हुआ तुमको? क्या है? तो देखिए अभी रेलवे स्टेशन पार होकर के उस पार जाना होगा मार्केट। अच्छा वहाँ सिग्नल हो गया ना, तो रुक जाओ अभी। गाड़ी नहीं आया है, बहुत दूर है गाड़ी। गाड़ी दूर है तो चलो भैया, तो जल्दी से चलो। तुम लोग डेली ऐसे ही टपता है रे? डेली नहीं टपते हैं, देख सुन के टपना। तो तुम अभी रेलवे वाला आदमी के साथ है इसलिए बच गया, समझा कि नहीं? ये ठीक है ना 2 साल का बच्चा के लिए? बहुत दिन से पीना छोड़ दी। क्या है? फ्रॉम 12 to 24 मंथ, ठीक है, यही ठीक है। कितना बढ़िया है गाँव का। संतोषी इंतजार कर रही है। लो हाँ देखो, हाँ यही है। तो देखिए पानी थोड़ा सा पियेंगे। ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलो। दीवी सर रोटी लेके आए गाय को खिलाने के लिए। हाँ गाय के पास ले गया, वो खाने मांगा तो छीन के लेके आ गया ना, अपने खा रहा ना गाय को खिला रहा, रोटी लेके घूम रही है नानी के पास। तुम किसको देगी रोटी, किसको देगी? गिर जाएगी बेटी। किसको तुम रोटी देने जा रही है? गाय बेबी को जाओ इसको खिलवा दो। तो बेटा डरती है आंगन में। A few moments later, अभी जो है आग ही जलाया गया। तो गर्मी के टाइम में आग क्यों जलाया गया है तो बता रहे हैं अभी संतोषी बताएगी। तो संतोषी यहाँ पे बाबू को नीच रही है, मतलब एक प्रकार से नजर उतार रही है, क्योंकि गांव घर में जो नजर वगैरह जो है ज्यादा लग जाता है। तो उसमें मिर्ची है और क्या है, तोरी सरसों है, दिखा जरा। मिर्ची है, तोरी है, तोरी से नजर उतारा जा रहा है दिविशा का। यहाँ जब भी आती है बहुत जिद करने लगती है। और उसके बाद जो है इसको आग में डाला जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। तो ये सब गांव का विधि विधान है, टोटका है। Tomorrow. चलो आसंत जी बाहर में घूम के आते हैं। और कल रात को कितना गर्मी था, लगभग 4-5-6 बजे से बहुत गर्मी था। लेकिन अभी देखिए मौसम, देखिए सुबह सुबह एकदम जो है मेघ लगाया हुआ है और मौसम एकदम ठंडा है, एकदम अच्छा लग रहा है। चलिए बाहर चलते हैं। पीछे साइड से अच्छा मेघ आ रहा है, देखो काला काला मेघ है। तो जैसा कि आसार लग रहा है कि बारिश होने वाला है, तो बारिश होगा तो गांव में लाइट एकदम से भाग जाता है। तो अभी अभी रख देते हैं, वीडियो बनाना बंद करते हैं और जाके मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं। A few moments later. तो हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ही चाय लेके आ जाना। ठीक है।
तो हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर आकर के अभी हम बैठे हैं और संतोषी भी आ रही है चाय लेकर। और बारिश जैसा कि बोल रहे थे कि पड़ने वाला है, स्टार्ट हो गया है बारिश पड़ना। सामने कोई ट्रेन भी आके रुकी हुई है और संतोषी आ गई है चाय लेकर के। तुम भी आ गया शिवम, और शिवम भी आ गया है, और यहाँ पे दिविशा भी आ गई है और आकर के यहाँ लेट गई है। तुम क्या कर रही है लेट करके? उठ जा। हाँ, एक और ट्रेन पास कर रही है। बताओ संतोषी कौन सा ट्रेन है, सब पूछ रहा है। देखिए जरा संतोषी क्या कर रही है यहाँ पे। अरे बाप रे, तो आम का खजाना है। हाँ, कितना सारा आम पकल पकल है, लेकिन सड़ जाएगा सब, सब आम पक गया है। तो तुम अपना खाने के लिए चुनने आई थी यहाँ पे? हाँ। हमको आप तो खाई गई नहीं, इसलिए। इसको कौन आम है भाई, इतना बड़ा बड़ा आम। हम लोग का बगीचा में होता है ये सब आम, बहुत बड़ा बड़ा, मीठा भी बहुत होता है। पूरा मतलब पक जाता है ना, सब खाने का बहुत मजा आता है। अभी सब कच्चा ही है ना, कच्चा ही है, टाइट है। ये सब पका हुआ है, देखिए ये सब सब पका हुआ है, सब पूरे पक गया है, ये भी पका हुआ है। ये बगीचा जो पेड़ है ना, उसी का है ये आम, पीछे वाला पेड़। हाँ, ये जो आम है आगे पेड़ है, ये वाला है। सेंड देखिए ना, कितना सेंड हो रहा है। चलो पीछे वाला पेड़ दिखा। चलिए, बगीचा कब दिखाइए? आज शाम में जाएंगे बगीचा। चलिए पीछे वाला पेड़ दिखाइए। ये सब कबूतर है, यहाँ देखिए कबूतर भी लगा हुआ है। कबूतर भी है वो काफी। पेड़ दिखाने ले जा रही है आम का। वाह, पूरा खजाना है भाई तुम्हारे घर में तो। देखिए आम तो नीचे वाला आम तो कटोर लिया है कल। देखिए आम ऊपर अभी भी है, ये मिंगो लटक रहा है। देखिए ये पेड़ में पहली बार हुआ है, इस बार नेंगरा आम है। उंगली नहीं दिखाना चाहिए शायद ना। हाँ, नेंगरा आम है ये। नेंगरा आम है। हाँ, इसी को मालदा आम भी बोलता है ना। हाँ शायद। अरे पीछे हम लोग का बांस का पेड़ है, हम ही लोग का है सब, ये सब हम लोग का बांस का पेड़ है। अरे कितना जंगल हो गया है, पोखर है दो ठो, हम ही लोग का है। इसमें मछली भी होता है। हाँ, मछली भी होता अभी है। पानी नहीं, बरसात आएगा तब मछली होगा ना। देखो वहाँ बन मुर्गी सब है, है ना, बन मुर्गी। ये सब हम ही लोग का है सब। पीछे बड़ा वाला जामुन का पेड़ है, बहुत बड़ा है, बहुत जामुन होता है। वो जामुन का गाछ किसका है? हम लोग का। ये सब कच्चू का पत्ता का सब्जी बनता है, कल मम्मी बनाएगी। तो भिंडी का गाछ है, पापा लगाया है भिंडी। चलिए ये लीची का पेड़ है, सारा लीची टूट गया ना। हाँ, पूरा लीची टूट गया, खत्म हो गया है कि नहीं, एक भी देखे जरा। एक दो वो होगा। कहाँ है? परसों तोड़ लिया सर ना, नहीं तो कीड़ा लग जाता है ना। इधर इधर है तो, यहाँ इधर भी तोड़ लिया ना। इधर भी तोड़ लिया तो। अच्छा, कहाँ पे? ये तो है, सब कल तोड़ लिया पापा। ये देखिए वो रेड वाला, तोड़ा जाए उसको। हाँ, उनके बत्ती लाते हैं। लाते तो तीन लीची का पेड़ है, एक ये और एक वो और एक वो, तीन ले आई है बत्ती तोड़ने के लिए। लीची देखे जरा तोड़ पाती है कि नहीं। नहीं, गाछे तोड़ा ना दादी, ये सब हम लोग का घर का भाषा है, हम लोग घर में इस तरह ही बात करते हैं। तो देखिए मेरा वाइफ हमको लीची तोड़ के खिला रही है, देखिए कैसा लगता है। खा के बताइए। खाए तो है पहले भी, मीठा तब मीठा बहुत होता है। पहली बार तो बहुत मीठा है ना। तुम भी ले लो। दीजिए थोड़ा सा, हमको भी दे दीजिए। खा लो खा लो, एक लीची को कितना बांटेगी? और लीची है ना थोड़ा वहाँ। हाँ, खाएंगे शाम में। क्या हुआ रोहित? उसको बोरा समझ के उठा रहा है। क्या लेके आई? आम
घास का पका हुआ, सामने वाला पेड़ है ना उसी का पका हुआ है घास से। सामने वाला कौन, वो जो यहाँ ये वाला उसी का है तोड़े खट्टा का है नहीं है ना। कितना सारा बकरी है शिवम, देख रहा है? नहीं देख रहा हूँ। बट्टी उसको मार दिया। हो गया और शाम के वक्त में हम आए हैं ऊपर में और एक ट्रेन जा रही है अभी। आओ शिवम, आजा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर। सुनो सुनो, छत खुला हुआ है, उधर नहीं सुनो, मेरे पास बैठो ठीक है। और दिविशा देखो कितना चिल्ला रही, कितना परेशान कर रही है ना, देखो देखो। अभी है ना बगान, कल चलेंगे, शाम हो गया ना। आए इधर 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 शिवम, इधर आ जा। तो देखिए वो कैसे चिल्ला रही है, सुनाई दे रहा आवाज? परेशान कर रही है नानी का। और संतोषी जी आ रही है, क्या बाबू बहुत परेशान कर रही है ना? हाँ बहुत परेशान कर रही है। क्या लेके आई है? लीची। अरे वाह, तो खत्म हो जाएगा, लास्ट है, लास्ट खत्म, बस हाँ बस खत्म। तो छील के दो, छील के दो, छीलना तुम छीलोगे, जाओ छीलो। चलिए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, दिविशा बहुत परेशान कर रही है, संतोषी अभी जाएगी उसको संभालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, आप भी तो कुछ बोलिए। हाँ अपना ख्याल रखिएगा, मेरा गांव देखिएगा तो पसंद आया कि नहीं कमेंट में लिखिएगा। तो कल हम लोगों को ये संतोषी लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी? बगीचा लेके जाएंगी कल। ऐसे तो लेके आज ही जाने वाले थे लेकिन आज हम ही नहीं गए क्योंकि मन नहीं कर रहा था, हम सो गए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।